हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हो डीआरडीओ के अंदर क्या है, काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। और इसके अंदर अगर किसी भी साथी का डिप्लोमा है, अगर किसी ने क्या है आईटीआई कर रखी है, उन सभी साथियों के लिए ज़बरदस्त यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। और ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्या कुछ वैकेंसीज है, डिटेल से हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर देखिए सबसे पहले रिक्रूटमेंट ऑफ 1901 वैकेंसीज है टोटल, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने STA B के अंदर एक तो डिवाइड कर दिया, दूसरा क्या है टेक ए यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, और एक है टेक्नीशियन, ठीक है ना। इन्होंने दो कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है एडवर्टाइजमेंट, ये है CEPTM, ठीक है, 10/DRTC। और यहाँ पर आप सबसे पहले देखो कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो कौन कौन सी है। 23 सितंबर 2022 सबसे पहले, जो कि आज जो है इसकी जो एडवर्टाइजमेंट का जो रिक्रूटमेंट का जो नोटिस आया है। और ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन 3 तारीख से शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और 23 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। CBT जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आगे नेक्स्ट आपको बता दिया जाएगा भी एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये मौका आपको दोबारा कभी मुश्किल ही मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़, ठीक है, वो भी DRDO के अंदर, जिन साथियों का सपना रहता है भी DRDO में काम किया जाए, DRDO के अंदर क्या है जॉब ले जाए, उनके लिए यहाँ पर बढ़िया मौका है। अगर आप बढ़िया से अच्छे तरीके से तैयारी करोगे उन सभी साथियों के लिए, और यहाँ पर आप देखोगे कंप्लीट साथी, अगर इलेक्ट्रिशियन से जो भी साथी है उनके लिए भी मैं डिटेल से सब बातें बताऊंगा। यहाँ पर देखिए पे स्केल, तो DRDO का नाम सुनते ही आप देख ही लोगे पे स्केल क्या है, ठीक है। दूसरा एज लिमिट की बात करें इसके अंदर, तो एज लिमिट देखिए 18 से 28 एज लिमिट भी ठीक दिया हुआ है। और अगर कोई भी साथी SC ST OBC जो भी अलग किसी के पास जो रिजर्वेशन है उसका उनको बेनिफिट भी मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसीज कौन कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले शुरू होता है, ये देखो ये कोड है, पोस्ट कोड आप ध्यान रखना, ठीक है, आपका पोस्ट कोड कौन सा है वो ध्यान रखना, पोस्ट कोड के नाम से ही सारी वैकेंसीज आगे डिक्लेयर हो पाएगी। सबसे पहले इसके अंदर आप देखिए कि सबसे पहले देखिए एग्रीकल्चर दिया हुआ है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या कुछ क्वालिफिकेशन है वो आप देखिए, BSc डिग्री इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, टोटल वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट के अंदर 10 है, ठीक है। पोजीशन स्टैंडर्ड यहाँ पर दे रखा है, अलग अलग पोजीशन आपकी रहेगी इसके अंदर। और यहाँ पर काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग है, ऑटोमोबाइल है, बॉटनी है, केमिकल है, केमिस्ट्री है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद अगर किसी ने ट्रिपली से इलेक्ट्रिकल से, ठीक है, डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए भी है ये देखिए, अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए 68 वैकेंसीज है, नंबर ऑफ काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। और इसका कोड आप ध्यान रखना 109 कोड है इलेक्ट्रिकल वालों का, 109 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो तो यहाँ पर अलग अलग काफ़ी आप चेक कर सकते हो, फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, टेक्सटाइल है, ठीक है, ये आपको ने देख ही लिया होगा। ये टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज वो है 1075। उसके बाद टेक्नीशियन की बात करें, टेक्नीशियन के लिए भी आप चेक कीजिए, टेक्नीशियन के लिए भी पे स्केल काफ़ी अच्छा पे स्केल है। एज लिमिट की बात करोगे सेम वही है 18 से 28, ठीक है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी पूरा इन्होंने अच्छी तरह से मेंशन कर रखा है कि आपके पास 10th होना चाहिए, फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन, ठीक है ना, जो भी डिसिप्लिन उन्होंने मांग रखी है उस हिसाब से आपका होना चाहिए। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, या फिर और है ये, ठीक है ना, सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इन रिक्वायर्ड डिसिप्लिन इफ़ द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डू नॉट अवार्ड सर्टिफिकेट, ठीक है, इन दैट डिसिप्लिन, ठीक है, ये NCVT से क्या आपका होना चाहिए, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी ट्रेड जो इसके अंदर दे रखी है वो आप चेक कर सकते हो IT बेस पे, ऑटोमोबाइल, बुक बाइंडर, कारपेंटर, CNC ऑपरेटर, कोपा जो हो गया, ठीक है। उसके बाद आप चेक कीजिए यहाँ पर
ड्राफ्ट मैन है, डीटीपी ऑपरेटर है, इलेक्ट्रीशियन, ये रहा इलेक्ट्रीशियन के लिए 208 कोड है और नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देखिए 106, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 106 है। तो अभी जो साथी सोच रहे हैं भी इलेक्ट्रीशियन वाले जो साथी है उनके लिए यहाँ पर क्या ज़बरदस्त मौका है, और वो भी डीआरडीओ के अंदर, ठीक है, डिफेंस जो कंपनी है उसके अंदर, डीआरडीओ के अंदर जो है वो बढ़िया मौका है। अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करोगे बिल्कुल आपको इसके अंदर क्या है सक्सेस मिलेगी। तो ये आपने देख लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, फिटर है, ग्राइंडर है, मैकेनिस्ट है, ठीक है, काफ़ी कुछ अलग अलग प्रकार के यहाँ पर के आईटी ट्रेड दे रखी है, वेल्डर से भी है देखो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है, वेल्डर की भी आप देख सकते हो। टोटल वैकेंसीज की बात करें 826, ठीक है, टेक्नीशियन के लिए बढ़िया यहाँ पर क्या है मौका है सभी बच्चों के लिए। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पोजीशन मैंने आपको बता रखी है, ये देखिए भी कोड ऑफ पोजीशन है, कोड ऑफ पोस्टिंग पोजीशन है ये, ठीक है ना, पोस्टिंग पोजीशन है। इसके अंदर देखिए सबसे पहले जैसे A1 आगरा है, A2 अहमदनगर है, A3 क्या है अंबरनाथ है, ठीक है ना, इस तरह से क्या है इन्होंने पोजीशन दे रखी है भी कौन कौन सी जगह पर आपको क्या है जो है वो पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। चंडीगढ़ भी इसके अंदर है, चेन्नई है, देहरादून है, दिल्ली भी इसके अंदर है, ठीक है ना, और जोधपुर भी इसमें है, ठीक है, कोची है, लेह है, मैसूर है, ये आप क्या है अपने तरीके से आप चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन हम देख लेते हैं। एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अप्लाई करोगे तो इसके अंदर आपको क्या है 100 रुपये की इसके अंदर फीस है, वो आगे देख लेते हैं अभी कहाँ पर फीस का कुछ क्या कुछ दे रखा है। चलिए एज लिमिट हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मोड ऑफ पेमेंट दे रखा है फुल, ठीक है, क्रेडिट कार्ड किसी से भी कर सकते हो, 100 रुपये इसके अंदर है, ठीक है, ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, बढ़िया है ये। ये है आपका CBT जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए सेंटर, यहाँ पर आपका CBT का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, काफ़ी बढ़िया है, ये भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद रिजेक्शन का इन्होंने दे रखा है भी, रिजेक्शन क्यों कर सकते हैं आपको, ठीक है ना, सब कुछ दे रखा है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड इसके बारे में आपको क्या साइट पे मिल जाएगा सब कुछ। सेक्शन जो है इसके अंदर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये देखिए ध्यान से पढ़ो, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम देख लेते हैं सारी बातें क्या कुछ लिख रखी है, ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या लिखा है, फॉर द पोस्ट ऑफ STA यानी कि सीनियर टेक्नीशियन जो पोस्ट है उसके लिए देख लीजिए, सीनियर टेक्निकल के लिए प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ Tier 1 स्क्रीनिंग एंड Tier 2 फाइनल सिलेक्शन एज डिस्क्राइब Table 1 में दे रखा है। Tier 1 जो है वो Tier 2 है, विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT होगा Tier 1 और Tier 2। उसके बाद जो आपका Mode B है, स्कोर ऑफ Tier 1 CBT में भी नॉर्मलाइज्ड एज पर रिक्रूटमेंट, ठीक है ना, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। उसके बाद Tier 1 एंड Tier 3 विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली, ठीक है, इनके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और डी नंबर देखिए, Tier 1 जो है एग्जामिनेशन इज स्क्रीनिंग एंड Tier 2 इज फॉर फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर दे रखा है किसके लिए, जो सीनियर टेक्निकल के लिए है। उसके बाद देखो अगर कोई बच्चा टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है जो IT बेस पे जो बच्चा है उसके लिए देखिए, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ Tier 1 CBT एंड Tier 2 ट्रेड टेस्ट होगा इसके अंदर आपका, ठीक है, एज डिस्क्राइब्ड इन Table 2, ठीक है, Table 2 के अंदर डिस्क्राइब दे रखा है, वो हम चेक कर लेंगे। उसके बाद देखिए ए में क्या दिया है, द स्कोर ऑफ Tier 1 CBT में भी नॉर्मलाइज्ड एज पर द रिक्रूटमेंट, ये दे दिया इनको अभी, पहले Tier 1 है उसका जो है वो नॉर्मलाइज होगा, उसके बाद Tier 1 कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसके बाद Tier 1 के अंदर एग्जामिनेशन फॉर द प्रोविजनल सिलेक्शन एंड Tier 2 जो है वो ट्रेड टेस्ट होगा आपका, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर होगा Tier 2 जो है वो, ठीक है ना, क्वालिफाई नेचर होगा। ट्रेड टेस्ट विल बी IT लेवल इन द रिलेटेड ट्रेड टू टेस्ट द प्रैक्टिकल स्किल ऑफ कैंडिडेट, प्रैक्टिकल स्किल आपकी देखेंगे क्या कुछ है, और द टेस्ट में भी अबाउट 1 or 2 hour ड्यूरेशन, ठीक है, 1 or 2 hour का हो सकता है। द मोड ऑफ सिलेक्शन में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्रूटमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी बोथ STA, ठीक है, STA B और Technical A, इनके लिए वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ये भी आप चेक कर लीजिए अच्छे तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न का क्या कुछ इनका है, देखिए
सीनियर जो है इसका टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए CBT 1 होगा, स्क्रीनिंग जो है जिसके अंदर टेस्ट ऑफ कॉमन ऑल जो पोस्ट कोड होगा, क्वांटिटी, एबिलिटी है, एप्टीट्यूड है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, ठीक है, ये सारे इसके अंदर क्या है 120 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे और 120 नंबर ही होंगे इसके अंदर, ठीक है, 90 मिनट आपको मिलेंगे। उसके बाद जो CBT आपका प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए है वो क्या होगा, इसमें 100 नंबर का होगा जो आपकी ट्रेड वाइज होगा, जो आपके पास टेक्निकल जो आपके ट्रेड है उसके बेस पे 100 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, और 100 ही क्वेश्चन है, 90 मिनट आपको मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए टायर 1 इज फॉर स्क्रीनिंग, द मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स फॉर टायर 1 40% आपके होने चाहिए, जनरल के लिए 35 होने चाहिए, ST SC, ठीक है ना, उनके लिए। कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन टायर 1, ठीक है ना, टायर 1 से क्या है उनको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे प्रोविजनल। उसके बाद क्या है, मेरिट इज ऑन रेशो 1:8, ठीक है ना, 1:8 का इनका क्या है रेशो रहने वाला है, ठीक है, एक पोस्ट के लिए 8 बच्चों को वो लेंगे, यानी 8 गुना। तो ये सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, वो मैंने बता दिया। उसके बाद आप चेक कर सकते हो प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, ठीक है ना, टायर 2 की बात भी दे रखी है, ओके। उसके बाद देखिए टेबल 2 में हम देखते हैं, टेबल 2 ऊपर लिखा हुआ था ना, टेबल 2, वो ये टेबल 2 ये है टेक्नीशियन ए के लिए। इनका भी पहले जो है प्रोविजनल सिलेक्शन होगा CBT, जिसके अंदर रीजनिंग होगी, जैसे मैथ है, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज भी होगी, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। और देखिए बी सेक्शन के अंदर स्पेसिफाई टू ट्रेड या डिसिप्लिन ऑफ पोस्ट, जो आपकी ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन है, तो इलेक्ट्रीशियन के 80 क्वेश्चन पूछेंगे आपको और 40 क्वेश्चन हो गए ये अलग जो है वो, ठीक है, टोटल बनते हैं 120 और 90 मिनट आपको मिलेगी। यहाँ पर 80 क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया मायने रखता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ट्रेड टेस्ट आपका इसके अंदर होगा, जो IT बेस पे है ये, ठीक है ना, ये जो टेस्ट है मे बी अबाउट 1 या 2 आवर का हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ पर पूरा मैंने बता दिया आपको, अच्छे तरीके से मेंशन किया रखा है, ठीक है। तो ये आपको जो नोटिस है, पूरा नोटिफिकेशन है, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि टेलीग्राम चैनल है HSSC ALM, ठीक है, 9, ये पूरा नाम बिना स्पेस के आप सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर ये नोटिस मिल जाएगा। और अभी से अगर किसी साथी को इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को मजबूत करना हो, अगर कोई साथी सोचे भी हमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, ठीक है, जिन्होंने कर रखे है, जो IT पास कर रखी है और DRDO में लगना चाहते हैं, तो वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को मजबूत करना होगा, क्योंकि 80 नंबर आएंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या है, अपनी जो ऐप है KTP क्लासेस, ठीक है, KTP क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आपको क्या है डिटेल से जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है 0 से लेकर टॉप तक, ठीक है, वो आपको करवाई जाएगी। तो काफ़ी बढ़िया मौका है, इस मौके को आपको गंवाना नहीं चाहिए, बार बार ऐसे मौके नहीं आते हैं, ठीक है। तो यही जो मेन बातें थी मैंने आपको बता दी, जो इम्पोर्टेंट बातें थी, आप सभी को समझ भी आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारी अपडेट मैंने आपको क्या है DRDO के बारे में, जो वैकेंसीज निकली हुई 1901 उसके बारे में डिटेल से मैंने बताया है। कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें। और सभी साथियों को एक बार फिर से बताऊँगा KTP क्लासेस ऐप, ठीक है, स्पेशल हम क्या है DRDO के लिए ये जो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है वो भी लेकर आएंगे, वो आप सभी को क्या है इन्फॉर्म कर देंगे फिर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।